हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द अनफिल्टर्ड एजुकेशन। हमारी इस सीरीज कंप्लीट कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड चैप्टर। आज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ, जिसके बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी के अंदर। तो आज उस चीज़ के बारे में जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या क्या घटनाएँ घटी और किस तरीके की वहाँ पर फॉर्मुलेशन हुई हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन क्या था, हम सारी चीजें आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर जानेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको पहले ही बता दूं कि जितने भी इस वीडियो लेक्चर के नोट्स होंगे उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो नोट्स की आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, नोट्स आप वहां से सारे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि होती क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जब भी एक संविधान बनाया जाता है तो कोई लोग बैठेंगे, उन्हें साथ में बैठ के बनाएंगे, तो ऐसी असेंबली को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो क्योंकि वो कुछ कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। किस चीज को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इसी चीज के ऊपर बहुत लंबी चर्चा चली, क्योंकि पहले हमारे लिए जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करते थे, या फिर हम कह सकते हैं हमारे गवर्नेंस के लिए बेसिक लॉज हुआ करते थे, वो अंग्रेज अपने आप बना के देते थे, उसके अंदर हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। इसलिए ये डिमांड उठी कि हमारा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, लॉ मेकिंग प्रोसेस में हमारा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, वो तो बेसिक लॉ है, तो वो जब तक आप लोगों से पूछ के नहीं बनाएंगे तो कैसे चलेगा। इसलिए सबसे पहले डिमांड उठाई किसने? एम एन रॉय। ये कम्युनिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले डिमांड उठाई कि हमें क्या मिलना चाहिए? हमें मिलना चाहिए एक संविधान जो हम खुद बनाएं, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमें चाहिए जिसके अंदर बैठ के हम सारी डिस्कशन कर सकें। फिर इसी डिमांड को आगे कौन लेके गया? तो इस डिमांड को आगे लेके गए इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड उठाई कि अब हमें भी क्या चाहिए? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें? हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर सकें, हम हमारे खुद के डिसीजन खुद ले सके, हम ये देख सकें कि हमारे इंडिया के अंदर गवर्नेंस किस तरीके की होगी। उसी के बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो यहां पर तीन चार चीजें नोट करने जैसी हैं। पहली, विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। दूसरी, बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तीसरी, इलेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। तो एक एक करके इन तीनों चीजों को समझते हैं। पहली चीज तो विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, तो किनका इंटरफेरेंस था? क्या अमेरिकन का इंटरफेरेंस था उस समय पे? जी नहीं, वहां पे इंटरफेरेंस था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो यहां पे जवाहरलाल नेहरू ये कहना चाहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस ना हो और हम हमारे खुद के रूल के लिए, हम खुद की गवर्नेंस के लिए खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। दूसरी चीज यहां पे उन्होंने कही कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको इलेक्ट कौन करेगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट कौन करेगा? तो सब लोग इलेक्ट करेंगे। यहां पे बताया गया ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब जिसके पास भी वोटिंग राइट है उस समय के अनुसार, ठीक है, जो अडल्ट है वो उसके अंदर वोट डालेंगे और उस इंसान को इलेक्ट करेंगे। तो ये चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं। और ये डिमांड एक्सेप्ट कर ली गई इन 1940 बाय अगस्तोफर, बट उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आई। क्यों प्रॉब्लम आई? क्योंकि इस समय तक पाकिस्तान की मांग उठने लगी थी। मुस्लिम लीग इस चीज पे अड़ गई थी कि हमें तो चाहिए पाकिस्तान, पाकिस्तान के अलावा किसी चीज के लिए नहीं मानेंगे। 1942 क्रिप्स मिशन इंडिया के अंदर आया, क्रिप्स मिशन ने भी यही चीज कही कि पाकिस्तान आपको नहीं मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपना आप कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, जिसको आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। किसने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया? मुस्लिम लीग ने। तो ये तो एप्लीकेबल नहीं हो पाई क्योंकि इसे रिजेक्ट कर दिया गया बाय मुस्लिम लीग। इसके बाद आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के अनुसार बताया गया कि आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलेगी, और उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्मुलेट किया गया इन नवंबर 1946। यहाँ पे किसी भी तरीके से पाकिस्तान की डिमांड को तो सेटिस्फाई नहीं किया गया, बट एक इस तरीके का अरेंजमेंट ला दिया गया जिससे मुस्लिम लीग भी मोर और लेस सेटिस्फाइड था। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बन गई। अब यहाँ पे ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल, वो यूनाइटेड इंडिया के लिए है, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो आज का है उसको मिला के ये वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जो उस समय पे ब्रिटिश इंडिया था उसके लिए। इस चीज को समझ के चलिएगा। अब इसमें क्या क्या चेंजेस हुए वो हम समझेंगे पोस्ट पार्टीशन,
ठीक है, पार्टीशन के बाद क्या क्या चीजें हुई। अभी 1946 चल रहा है, तो 1946 में किसी तरीके का पार्टीशन नहीं हुआ। आगे चलते हैं और समझते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं और कह सकते हैं इसका कंपोजिशन किस तरीके का रहने वाला है। तो इन सारी चीजों के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। टोटल सीट्स कितनी बताई गई, सो टोटल सीट बताई गई 389 सीट्स। अब 389 सीट्स जो है वो एक ही जगह नहीं दे दी गई, उसके भी अलग अलग कंपोजिशन बताए गए, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे बताया गया 296 सीट किसको मिलेंगी, ब्रिटिश इंडिया को। मतलब उस समय पे जो हमारे चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस थे और उसके अलावा जो हमारे प्रोविंसेस थे बड़े बड़े, उनको ये सारी चीजें मिलेंगी। तो ये 292 जो दिया गया है ये है फॉर 11 प्रोविंसेस, और ये 4 जो है ये दिया गया चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। अब किसी को ये मालूम नहीं है चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। आज हमारे यहां पे जो यूनियन टेरिटरीज हैं उस समय पे उन्हें बोला जाता था चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। उन्हें क्या बोला जाता था, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। 93 सीट्स दी गई राजे रजवाड़ों को, यानी प्रिंसली स्टेट्स को। ठीक है, यहां पे 93 सीट्स दी गई प्रिंसली स्टेट्स को, क्योंकि आज हमारे यहां पे जिस तरीके का इंडिया का कंपोजिशन है, जिस तरीके से हम इंडिया की टेरिटरी को देख रहे हैं, ये इसका श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगर वो नहीं होते तो आज भी हमारे यहां पे हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते तो शायद हमें वीजा लेना पड़ता, छोटे छोटे यहां पे क्या बन गए होते, कंट्रीज बन गई होती इंडिया के अंदर। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको एकजुट किया। बट ये पीरियड चल रहा है नवंबर 1946 का, तो वहां पे क्या है, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस है, ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं, उसी के साथ साथ छोटे छोटे राजे रजवाड़े हैं। काठियावाड़ रीजन में बहुत सारे राजे रजवाड़े थे, आपको मालूम है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें राजस्थान की, तो वहां बहुत राजे रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट्स थे। तो इन सबको मिला के 389 सीट्स जो है वो अचीव करनी। क्या क्या फीचर क्या रखा गया और क्या बोल सकते हैं हम इसके पीछे की फिलोसॉफी क्या रखी गई, तो एक सीट मिलेगी हर एक 10 लाख के पॉपुलेशन पे, 10 लाख के पॉपुलेशन पे हम एक सीट जो है वो देंगे। दूसरी, सीट्स ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल इन अकॉर्डेंस टू देयर पॉपुलेशन। तीन ही कैटेगरी यहां पे की गई, मुस्लिम, सिख एंड जनरल। जनरल के अंदर वो सारे लोग आ गए जो किसके अंडर नहीं थे, जनरल के अंदर वो सारे लोग आ गए जो कि मुस्लिम और सिख्स के अंडर नहीं थे। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है और इस चीज को आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। और यहां पे रिप्रेजेंटेशन जो है हर एक कम्युनिटी का, उसी कम्युनिटी का इंसान इलेक्ट करेगा फ्रॉम द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो समझने की कोशिश करिए कि अगर ये मैं बोलूं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक मेंबर की बात करूं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर, इसको इलेक्ट कौन करेगा, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। ठीक, और वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मेंबर्स को किसने किया है, तो लिमिटेड फ्रेंचाइज पे। आई नो थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे आपको, आप लोग, मैं समझाता हूं इस चीज को। तो लिमिटेड फ्रेंचाइज क्या होती है कि गिने चुने लोगों को वोटिंग राइट्स था और उन गिने चुने लोगों ने क्या है, वोट डाला और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, जो आज हमारे यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि विधानसभा है, उस तरीके का वहां पे फ्रेमवर्क हुआ करता था जिसे हम बोलते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, वहां के मेंबर्स को चुना। तो ये लिमिटेड फ्रेंचाइज में चुने गए, सब लोगों का मत तो उनमें नहीं है, उन्हीं लोगों ने जो लिमिटेड फ्रेंचाइज में चुने गए हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मेंबर, उन्होंने आगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुना। तो यहाँ पे हम ये चीज कह सकते हैं कि इसमें दिक्कत ये रही कि बहुत बार ये क्रिटिसिज्म आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर जो है वो एक्चुअली में लोगों की विल को क्या है, रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां लिमिटेड फ्रेंचाइज है, इन्होंने इलेक्ट किया प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ने इलेक्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को, तो ये यहां पे दिक्कत आती। दूसरी चीज, ये जो प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर हैं ये नॉमिनेटेड थे, जो उस समय पे उस राजे रजवाड़े का हेड था, ठीक है, उस प्रिंसली स्टेट का हेड था, वो अपॉइंट कर दिया उसने और उसने नॉमिनेट कर दिया कि ये लोग जो है हमारे नुमाइंदे होंगे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे। इन चीज का आपको सारा ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ एक और नोटिस कर लें आप बात, कि सब लोग आके नहीं बैठे थे,
सब लोग आके नहीं बैठे थे, मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया था। उसी के साथ साथ प्रिंसली स्टेट्स बहुत सारे नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे प्रिंसली स्टेट्स, उसके पीछे का रीजन है। अब आप मुझे खुद बताइए कि अगर वो लोग इंडिया के अंदर आ जाते आसानी से तो उनका अधिकार चला जाता, वो यूनियन के अंदर सम्मिलित हो जाते, उनकी पावर कम हो जाती, तो ऐसा कोई भी नहीं चाहता था कि वो आसानी से इंडिया के अंदर जो है आ जाए, क्योंकि सिंपल दिख रहा था कि उनकी पावर उससे कम होगी और उनको किसके निर्देश पे चलना पड़ेगा, तो यूनियन गवर्नमेंट के निर्देश पे चलना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अगर ऑटोनॉमी दी भी जाती है तो वो भी लिमिटेड होगी। यहाँ पे लैप्स ऑफ पैरामाउंटेसी हो चुका था, मतलब अब प्रिंसली स्टेट्स किसी भी तरीके से बाध्य नहीं है, ना इंडिया में मिलने में ना पाकिस्तान में मिलने में। उनको जैसी इच्छा हो, या तो वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं या इंडिया में मिल सकते हैं या फिर पाकिस्तान में मिल सकते हैं, तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ गई, इसलिए वो आना नहीं चाह रहे थे। बट स्लोली एंड स्टेडिली धीरे धीरे सब लोग आने लग गए। अगर हम बात करें 28 अप्रैल 1947 तक, जयपुर, बड़ौदा, बीकानेर, ऐसे बहुत सारी रियासतें जो हैं ऑलरेडी आके मिल गई थी और उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेज दिए थे। चलिए आगे चलते हैं। ये चीज़ आपने समझ ली। अब इसके अंदर कौन सी मेथड, बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिस तरीके से राज्यसभा मेंबर्स के इलेक्शन होते हैं उस तरीके से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एक वोट होगा, उसके अंदर क्या होंगी प्रेफरेंस दी गई होंगी, उस तरीके से इस इंसान को इलेक्ट किया जाएगा। इस चीज़ के ऊपर हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम राज्यसभा के इलेक्शंस के बारे में जानेंगे, तो वहां पे इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ये चीज मैं आपको बता ही चुका हूं कि प्रिंसली स्टेट से जो नुमाइंदे आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, उन्हें नॉमिनेट कौन करेंगे, हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और पार्टीशन के बाद ये सारा कंपोजिशन चेंज हुआ, मतलब कुछ हद तक इसमें बदलाव आए जो हम आगे भी देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं इसकी रिजल्ट के बारे में। ऑब्वियसली मेंबर्स इलेक्ट हुए होंगे तो किसी ना किसी पार्टी से हुए होंगे। उस समय पे दो मेजर पार्टी कौन जिसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरे मुस्लिम लीग। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इलेक्शन फाइट किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम जाएंगे, बैठेंगे, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, बनाएंगे। तो उसका रिजल्ट क्या आया, इलेक्शन हुए 296 सीट। ये 296 सीट कौन सी है, ये 296 सीट वो है जो ब्रिटिश इंडिया को प्रोवाइडेड थी, इंक्लूडिंग ब्रिटिश प्रोविंसेस एज वेल एज चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। कब हुआ, अगस्त 1940। यहां पे बताया गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कितनी सीट जीती, 208। उसी के साथ साथ मुस्लिम लीग ने कितनी सीट जीती, 73। अब यहां पे थोड़ा सा एनालिटिकल चीज ये आ जाती है, थोड़ा सा हमें समझने वाली चीज ये आ जाती है कि एक तो मुस्लिम लीग ये चीज समझ गई थी पहले ही 1935 के जो प्रोविजन, उसमें ये प्रोविजन आया था कि अब जो है हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे रहे हैं। उसके बाद इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस में मुस्लिम लीग ये आराम से समझ गई थी कि वो किसी भी तरीके से यूनियन के अंदर डोमिनेट नहीं कर पाएगी। यूनियन के अंदर डोमिनेट रहेंगी इंडियन नेशनल कांग्रेस या ऐसी कोई और पार्टी, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि अब तो हमारी यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली, यूनियन के अंदर हमारा कुछ होगा नहीं। उन्होंने अलग अलग तरीके के जो है अपने लिए सेफगार्ड्स मांगे, और सेफगार्ड्स नहीं, वो बहुत ज्यादा उन्होंने चीजें मांग ली, तो जो चीज नहीं दी गई उन्हें, और फिर उसके लिए उनकी डिमांड जो थी पाकिस्तान की वो और ज्यादा सुदृढ़ होती गई। पहली चीज तो ये जो आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, ये सिंपली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, मुस्लिम लीग की नंबर्स कम है। दूसरी चीज, इसका एक क्रिटिसिज्म और आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ही ड्राइव कर रही थी, वही अपने हिसाब से लेके जा रही थी, वो भी कुछ हद तक सही है। बट बहरहाल जितना भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, फ्रेम हुआ, वो बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि आज हमारी आज़ादी को लगभग हम कह सकते हैं 75 इयर्स के कंप्लीट हो चुके हैं, बट अभी भी वही कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बखूबी रूप से चल रहा है। तो हम ये चीज़ तो कह ही सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बढ़िया फ्रेम हुआ, अब चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डोमिनेट करके बनाया हो। इंडिपेंडेंट पार्टीज ने कितनी जीती, तो इंडिपेंडेंट पार्टीज यहाँ पे जीत के आई 15 सीट्स। 93 सीट्स अलॉटेड टू प्रिंसली स्टेट्स वर नॉट फिल्ड। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, क्यों नहीं उनको फिल किया गया, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी पावर डिक्रीज हो जाती है और कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि उनकी पावर जो है नीचे जाए। रिप्रेजेंटेटेड ऑल दी सेक्शंस ऑफ दी सोसाइटी, हम ये चीज़ कह सकते हैं कि उस समय पे जो है हर एक सेक्शन के लोग इसके अंदर पाए गए। वुमन भी थी, एससी एसटीज भी थे, उसके साथ सिक्स भी थे, मुस्लिम्स भी थे, मतलब पूरे इंडिया की रिप्रेजेंटेशन आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देख सकते हो।
ये पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड थी, बट हर एक सेक्शन का इंसान यहाँ पे बैठा था। उस समय पे हर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो थी इंडिया की वो वहां पे थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ले लीजिए, जवाहरलाल नेहरू ले लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ले लीजिए, उसी के साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ले लीजिए, के एम मुंशी ले लीजिए, पिताभि सीतारमैया ले लीजिए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी जो इंडिया को लीड कर रही थी और अपने डोमेन मतलब अपने रीजन को लीड कर रही थी, वो सारी वहां पे आई एक्सेप्ट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी पॉलिटिक्स के अंदर नहीं आना चाहते थे तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं इस चीज के अंदर नहीं उतरूंगा। तो ये चीज आपने यहाँ पे देख ली। अब बात करते हैं फर्स्ट मीटिंग की। तो फर्स्ट मीटिंग कब हुई? सो फर्स्ट मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946। इस दिन पहली बार मुलाकात हुई, सब लोग बैठे। आप समझिए कन्वेंशन किस तरीके से है। तो कन्वेंशन बेसिक ये है कि जब हम बात करते हैं कोई भी मीटिंग का, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक हेड को इलेक्ट करना पड़ेगा। नई नई मीटिंग यहाँ पे सामने अरेंज हुई है तो वहां पे कौन उसको हेड करेगा, तो जो ओल्डेस्ट मेंबर होता है वो उसे हेड करेगा। तो ओल्डेस्ट मेंबर कौन थे उस समय? सच्चिदानंद सिन्हा, वो वहां पे ओल्डेस्ट मेंबर थे। और ये प्रैक्टिस कहां से हमने अडॉप्ट की है? तो ये एक फ्रेंच प्रैक्टिस है जहां से हमने इस चीज को अडॉप्ट किया है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना। और इसके बाद किसको प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट कर लिया गया। और उसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दो वाइस प्रेसिडेंट थे, एक एच सी मुखर्जी एज वेल एज वी टी कृष्णमाचारी। ये दोनों क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट थे। तो ऐसी फैक्ट्स आपको जो है यूपीएससी शायद ना पूछे, बट स्टेट पीएससी डेफिनेटली पूछ लेगा। स्टेट पीएससी आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि हमारे यहाँ पे उस समय पे टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये प्रैक्टिस हमने कहाँ से अडॉप्ट की है? तो ये एक फ्रेंच प्रैक्टिस है जिसे हमने अडॉप्ट किया है। इसी के साथ साथ खाली 211 मेंबर्स ने वहां पे अटेंड की थी मीटिंग। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुस्लिम लीग अड़ गई कि हमें तो चाहिए पाकिस्तान, और उन्होंने बॉयकॉट कर दिया पूरी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। तो ये चीज यहां पे हुई और ये थी हमारी फर्स्ट मीटिंग। और फर्स्ट मीटिंग होने के बाद आप ये चीज देख लीजिए कि उसके अंदर किस तरीके का उस समय पे फ्रेमवर्क था। ये एक इमेज मैंने आपके सामने रखी है जिसके अंदर आप देख पाएंगे यहाँ पे हमारे पंडित नेहरू हैं और बाकी सामने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं। ये इमेज रखने का मेरा कारण ये था कि आप एक इमेज दिमाग में बना सके, ताकि जिस तरीके की डिबेट अगर आगे कुछ भी प्रेजेंट हो रहा है तो वो आप अपने दिमाग में देख सकें, एक इमेजिनेशन कर सकें कि कुछ ऐसा हुआ होगा, ठीक है, कुछ ऐसी चीज हुई होगी। बाकी आपको कुछ वीडियोस भी मिल जाएंगे ऑनलाइन जो आप देख सकते हैं अपनी बेटर इमेजिनेशन के लिए। क्योंकि मेरा पर्सनली मानना यही है कि जब हम इमेजिन करके पढ़ते हैं, जब हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट होती है, एक मूवी क्रिएट होती है, तो वो लंबे समय तक हम रिटेन कर पाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पेश किया गया? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया ऑन 13th December 1946। ये कब लाया गया? 13th December 1946। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बहुत ही आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं आपके सामने आया हूँ, मेरा एक एजेंडा होगा, मैंने कुछ प्लान किया होगा पहले, मैंने कुछ चीज़ें सोची होंगी कि आज मैं लेक्चर में जाऊँगा और इस तरीके से डिलीवर करूँगा, ठीक है, या फिर मेरा ये कंप्लीट इंडियन पॉलिटी का कोर्स जो है वो इस तरीके से अनफोल्ड होगा, मेरी सारी प्लानिंग हुई होगी, एक मेरा ब्लूप्रिंट तैयार हुआ होगा, तब जाके मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम तो बहुत ज़्यादा बड़ा था, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो उनका ब्लूप्रिंट होना तो इम्पॉर्टेंट है, उनके पास पहले गाइडिंग प्रिंसिपल्स तो होने चाहिए कि हम इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही आगे जाके हमारे लिए इंस्पिरेशन बना फॉर दी प्रीएम्बल। बट सिर्फ प्रीएम्बल तक सीमित नहीं है, आप इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को देखेंगे तो आपको ये चीज समझ आएंगी कि इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते हुए हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो कि आपको मैं बीच बीच में बताते भी जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका डिस्कशन। सबसे पहले ये क्या देता है? तो ये फंडामेंटल्स देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और उसी के साथ साथ एक फिलोसॉफी देता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनेगा। यहां तक बना नहीं है, ये हम बनने के बाद डिस्कशन कर रहे हैं उसके ऊपर, बट ये चीजें पहले डिस्कस हुई थी, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो सबसे पहले इंडिया को कैसा देखना चाहते हैं? इंडिपेंडेंट सॉवरेन एंड रिपब्लिक, मतलब हम आजाद चाहते हैं। सॉवरेन मतलब हमारे आंतरिक मामलों में
और बाहर के मामलों में ना कोई आंतरिक शक्ति ना कोई बाहर की शक्ति हस्तक्षेप कर सके। दैट मीन्स हमारे इंटरनल डिसीजन के अंदर और एक्सटर्नल डिसीजन के अंदर कोई भी इंटरनल और एक्सटर्नल पावर इन्फ्लुएंस ना करे, वो हो गई सॉवरेनिटी। दूसरी रिपब्लिक, हम यहाँ पे रिपब्लिक देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट क्या है, इलेक्टेड है, मतलब हर एक भारत के नागरिक को ये अधिकार है कि अगर वो चाहे और उसको सपोर्ट मिले तो वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। कितनी बड़ी बात, ठीक। कोई झुग्गी झोपड़ी में भी हो तो वो इंसान भी आगे जाके राष्ट्रपति बन सकता है अगर वो उतना अपना डेवलपमेंट दिखाए और सपोर्ट ले ले। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो एकदम नीचे रह रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर उसको भी वो अधिकार है, तो हम रिपब्लिक हैं। दूसरी, यूनियन ऑफ टेरिटरीज, कौन कौन सी टेरिटरीज होंगी, पहली तो जो ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरीज हो गई, दूसरी एनी अदर टेरिटरीज जो हमारे अंडर आना चाहती है, इंडियन स्टेट्स हो गए, इन सबको हम साथ में मिला के इंडिया बनाएंगे, इंडिया कंट्री बनाएंगे, ये चीज यहां पे बताई गई, यूनियन बनाएंगे। तीसरा यहां पे कहा गया, दीज टेरिटरी शेल हैव पावर्स एंड फंक्शंस एक्सेप्ट दैट असाइंड ऑफ टू दी यूनियन। मतलब यहां पे यूनियन के अंदर इस तरीके का हम रखेंगे कि उनको जितनी ऑटोनॉमी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, जितना उनको पावर दिया गया है वो एक्सरसाइज करें, और जो पावर यूनियन को दिया गया है वो यूनियन एक्सरसाइज करें। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी एक कैनेडियन टाइप ऑफ फेडरेशन जो है बनाई गई, ठीक है, यहाँ पे एक एनविसाज किया गया है उस तरीके से, क्योंकि अगर ये एक्चुअल फेडरेशन की यहाँ पे बात की गई होती तो यहाँ पे यूनियन ना लिखा गया होता, यहाँ पे फेडरेशन लिखा गया होता। फेडरेशन में क्या होता है, छोटी छोटी यूनिट जो है वो साथ में आके एक सेंटर बनाती है, बट यहाँ पे सेंटर को भी एक्चुअली एक्नॉलेज किया गया, जो चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनियन के पावर के बारे में भी बात की गई। तो हमने तीन पॉइंट डिस्कस कर लिए, अब आगे चलते हैं और आगे की चीजों को हम डिस्कस करते हैं। ऑल पावर्स एंड अथॉरिटीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल, डेमोक्रेसी का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या कहा था अब्राहम लिंकन ने, ठीक है, यही कही थी, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये सारी चीजें उन्होंने डिस्कस करी थी। बहुत ही ज्यादा क्या है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो यही चीज यहां पे दिखाई गई है कि सारी पावर और सारी अथॉरिटी, चाहे यूनियन की हो, स्टेट गवर्नमेंट की और कहीं की भी हो, पावर एंड अथॉरिटीज दे विल बी डिराइव्ड फ्रॉम पीपल, लोगों से वो हम डिराइव करेंगे। लोगों से डिराइव कैसे करेंगे, आप उनके वोट लेंगे, वोट से आप इलेक्ट होंगे, इलेक्ट होने के बाद आप सरकार चलाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पे सिंपल उन्होंने बता दिया ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का सिंपल कॉन्सेप्ट बताएं, इसके बाद एम एंड ऑब्जेक्टिव बताएं। अब ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन ला रहे हैं तो उनका कुछ ना कुछ एम एंड ऑब्जेक्टिव रहा होगा, वो कुछ ना कुछ चाहते होंगे। तो सबसे पहला जस्टिस, कौन कौन से जस्टिस देना चाहते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये हम जस्टिस देना चाहते हैं, लोगों को समानता देना चाहते हैं। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, हर एक इंसान को बराबर अपॉर्चुनिटी मिले। जैसे कुछ देर पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया प्रेसिडेंट के पास बारे में, उनके पास पावर है कि वो इंडिया को रूल कर सकते हैं, और उस पोजिशन पर पहुंचने का पावर हर एक इंसान के पास है, तो बहुत बड़ी चीज नहीं हो गई। चाहे मैं एक अमीर घर में पैदा हुआ हूं या फिर चाहे कोई एक इंसान गरीब घर में पैदा हुआ है, उन दोनों के पास ये अधिकार है कि वो भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। सिर्फ राष्ट्रपति नहीं, कोई भी पोजीशन ले सकते हैं, कोई भी तरीके की पोजीशन। इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब बराबर है। मेरे पूर्वज अगर किसी समय पर राजे रजवाड़े रहे हों, राजा महाराजा रहे हों, या कोई बड़ी पोस्ट पर रहे हों, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी इक्वल हूं, और जिस इंसान के पूर्वज ने खेतीबाड़ी की है या कोई और काम किया है वो भी इक्वल है। तो किसी भी तरीके से हम दोनों के स्टेटस में चेंज नहीं आएगा, लॉ हम दोनों को इक्वली देखेगा। अगर प्राइम मिनिस्टर का बेटा है तो उसके ऊपर भी वही लॉज एप्लीकेबल होंगे जो मेरे ऊपर है, किसी के लिए स्पेशल लॉज नहीं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन, ये सारी चीजें जितना भी है ना, ये सारी चीजें आप या तो डीपीएसपी में पाएंगे। जस्टिस की हम बात करें, सोशल, इकोनॉमिक, ये कहाँ हमने देखी, ये देखी हमने डीपीएसपी में, जो हम आगे डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। और उसके अलावा ये बाकी चीज अगर हम बात करें, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये है हमारे फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वेलिटी। अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इसको हम देखते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, हमारे जो फ्रीडम्स दी गई हैं अंडर आर्टिकल 19 उसके अंदर हम देख पाते हैं। उसी के साथ साथ हमारे जो रिलीजियस राइट्स हैं वो भी हम यहां पे देख पा रहे हैं। तो आप सारी चीजें देखिए, यहां पे क्या दिया गया है, सारे राइट्स की बात की गई। ऐसे राइट्स जो हम उस समय पे नहीं दे पाए उन्हें डीपीएसपी में डाल दिया उन लोगों ने, कि भाई आगे ऐसी फ्यूचर गवर्नमेंट आए जिसके पास इतने पैसे होंगे तो वो उनको दे देगी। बाकी हमारे क्या दे दिए, फंडामेंटल राइट्स दे दिए,
और वो चीज क्या हो गई, हमारी जस्टिसिएबल इन नेचर हो गई। तो ये चीज हमारी कहां पे एक्नॉलेज हुई, तो ये हमारी हुई इन फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद हम बात करते हैं एडिक्वेट सेफगार्ड्स टू माइनॉरिटीज, बैकवर्ड ट्राइबल एरियाज, अदर डिप्रेस्ड एंड बैकवर्ड क्लासेस। आप देखिए भर भर के हमारे यहाँ पे प्रोविजन है, ठीक है, ट्राइबल्स के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं, ठीक है, शेड्यूल्ड एरियाज बनाए गए हैं उस चीज के लिए कि उन शेड्यूल्ड एरियाज को अलग तरीके से गवर्न किया जाएगा, फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल एरियाज। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें राइट टू इक्वालिटी का, तो वहां ये एक्सेप्शन दिया गया है कि हम जो है बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन रख सकते हैं, रिजर्वेशन का फॉर्मूला दिया गया है। तो उस चीज की इंस्पिरेशन कहां से आई, तो यहां से आई, उनको लगा कि नहीं इस चीज की जरूरत है तो वो चीज दी गई। तो ये है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के कुछ पैरामीटर्स, कुछ फीचर्स। आगे चलते हैं और आगे समझते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ रिपब्लिक। ये मेंटेन करके रखेंगे, इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, हम किसी भी तरीके से टूटने नहीं देंगे। इंटीग्रिटी के दो कॉन्सेप्ट है, एक तो हम टेरिटरी वाइज देखते हैं तो टेरिटरी वाइज कभी नहीं टूटने देंगे, दूसरा होता है हमारा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कि दिमाग में हम सब लोग इंडियंस हैं। प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, हर एक इंसान का हम वेलफेयर चाहते हैं, वर्ल्ड पीस डेवलप करना चाहते हैं, सब साथ में रहेंगे और साथ में आगे जाएंगे, ये चीज बताई। इसको अडॉप्ट कब किया गया, तो इसे अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947। तो ये हमारे पास एक रूपरेखा बन गई जिसके ऊपर डिस्कशन किया, और यही साथ साथ में मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में दिए गई सारी चीजें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम आज देख पा रहे हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से, डिटेल्ड तरीके से देख पा रहे हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का काम क्या था वो चीजें समझ आ गई होंगी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर फीचर्स क्या क्या थे, पॉइंट्स क्या क्या लिखे गए थे, वो चीज समझ आ गई होंगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जैसे ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, दैट इज पार्टीशन हुआ, तो उसके बाद बहुत सारी चीजें जो है चेंज हुई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। तो सबसे पहला तो यहां पे ये बताया गया, एक्ट एम्पावर्ड द असेंबली टू एब्रोगेट और अल्टर एनी लॉज मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही हमारा जो है उस समय के लिए पार्लियामेंट का काम करेगी। समझने की कोशिश करिएगा, अब हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, अब अगर लॉज की रिक्वायरमेंट हो तो कौन करेगा उसको, लॉज को कौन फॉर्मुलेट करेगा, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही करेगी। अलग अलग दिन बैठेंगी, बट जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह बैठ रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क करेंगी, और जब उस समय पे प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह बैठ रही है तो वहां पे क्या करेंगी, लेजिस्लेटिव फंक्शन करेंगी। तो जितने भी तरीके के लॉज इंक्लूडिंग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, उसे ऑल्टर कर सकती है, उसमें चेंजेस कर सकती है, ठीक है, जब वो पार्लियामेंट की तरह बैठ रही। तो ये एक एडिशनल फंक्शन मिल गया किसको, एडिशनल फंक्शन मिल गया हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान देना है। और अब यहां पे क्या बताया गया कि जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह फंक्शन कर रहे हैं तो उसे लीड कौन करेंगे, चेयर कौन करेंगे, तो उसे लीड करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब यही पार्लियामेंट की तरह फंक्शन कर रहे हैं तो उसे चेयर करेंगे जीबी मावलंकर साहब। दोनों डोमिनियन अलग अलग अपना जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, और सेम फ्रेमवर्क जो है पाकिस्तान पे भी एप्लीकेबल होगा, वो अपना काम करो, अपना काम देखो, कोई इशू नहीं है। अब ऑब्वियसली जब पाकिस्तान वाला एरिया अलग हो चुका है तो वहां के जो लोग हैं उनको हम कम करेंगे, वो तो ऑब्वियसली चले जाएंगे ना, वो पाकिस्तान की मुस्लिम लीग पाकिस्तान में चली जाएगी। बहरहाल इस चीज को आप नोटिस करके रखिएगा कि जो इंडिया की मुस्लिम लीग थी उसके मेंबर्स लास्ट में जाके ज्वाइन कर लिए, क्योंकि वो ऑब्वियसली पाकिस्तान नहीं गए। तो जो स्ट्रेंथ है वो 299 पे आ गई, पहले कितनी थी 389, अब उसको कम कर दिया गया। 229 सीट्स जो है वो ब्रिटिश इंडिया को दी गई, और 70 सीट्स जो है वो किसे दी गई, प्रिंसली स्टेट्स को दी गई, क्योंकि कुछ प्रिंसली स्टेट्स उस तरफ चले गए थे, पाकिस्तान के एरिया में चले गए थे। तो आप इस चीज को देख सकते हैं, पहली चीज तो अब क्या कर सकते हैं, एक्ट को रिपील कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, दूसरी चीज लेजिस्लेटिव फंक्शन भी कर सकते हैं एज अ पार्लियामेंट। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह बैठेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उन्हें हेड करेंगे, और जब वो लेजिस्लेटिव फंक्शन करेंगे पार्लियामेंट की तरह बैठेंगे तो जीवी मावलंकर साहब उन्हें हेड करेंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई। इसी के साथ साथ आप ये चीज देखिए कि जो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना वो कितने टाइम में बना, तो उसके लिए 11 सेशंस की बैठक, 11 सेशन,
2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, ये इसके कुछ फैक्ट्स बताएंगे। उसी के साथ साथ लगभग 60 कंट्रीज जो हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन को थ्रू आउट रेड किया गया, उन्हें पूरा पूरा समझा गया, उनकी इन डिटेल नोट्स बनाए गए। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि सर जी ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहीं से उधार लिया है। अरे भाई साहब, अगर अच्छी चीज़ है तो सीखने में दिक्कत क्या है? आप क्या चाहते हो कि अगर यहाँ पे कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आए तो उसके लिए फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इससे बढ़िया है कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं उन्हें उठा लो। ये तो आइडियाज़ हैं और आइडियाज़ पे किसी का कॉपीराइट थोड़ी होता है, वो तो हर कोई यूज़ कर सकता है। तो हमने ये सारी चीज़ें यूज़ करी। एक्सपेंडिचर लगभग 64 लाख का लगा। ये सारे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे ऑब्वियसली, बट एक एडिशनल इनपुट मैं आपको मेरी तरफ से दे दूँ जो आपको यहाँ पे याद रहे। उसी के साथ साथ इसकी लास्ट मीटिंग कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 को इसकी लास्ट मीटिंग हुई और उसी दिन इन्होंने बहुत सारे एडिशनल फंक्शंस भी किए जिसके बारे में हम बात करेंगे। बट यहाँ पे लास्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई 24 जनवरी 1950, ठीक है। बट इसके बाद कंटिन्यूड एज प्रोविजनल पार्लियामेंट, प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह उन्होंने कंटिन्यू किया, क्योंकि हमारे इलेक्शन 1951-1952 तक हुए, तो उस समय तक क्या काम करेंगे, तो उस समय तक इनका काम जो है वो लॉ बनाने का रहेगा। उस समय तक हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट चली, जो हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शन थे वो उस समय पे हुए जब हमारे इलेक्ट हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये सारी चीजें रही। अब इनके अदर फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि और क्या क्या फंक्शंस इनके पास थे। तो सबसे पहले कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप रेटिफाई करी इन्होंने कब, 1949। इन्होंने बोला हम कॉमनवेल्थ के मेंबर बनना चाहते हैं। तो बहुत लोगों का ये मानना है कि अभी भी हम कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं तो क्या हम सॉवरेन है कि नहीं, तो हम सॉवरेन है क्योंकि हमारी मेंबरशिप को रेटिफाई किया गया। मतलब हमारे जो नुमाइंदे थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनसे पूछ के उस मेंबरशिप को आगे ले जाया गया, उनसे बिना पूछे नहीं ले जाया गया। दूसरी चीज, अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया, July 22, 1947। अडॉप्टेड नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग ऑन January 24, 1950। मतलब लास्ट मोमेंट में तैयारी कर ली गई 26 जनवरी की कि 26 जनवरी आ चुका है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसे ये सारी चीजें हम ले लेते हैं क्योंकि अब जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हर कोई बच्चा उस चीज को जानता है, हमें बचपन से ये चीज रटाई गई है कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर दैट इज इंदिरा गांधी। ये सारी चीजों को हमें रटा दिया गया, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप भी ध्यान रखें। कुछ डेटा दिए गए हैं तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए, मैं एक भी पॉइंट नहीं मिस करना चाहता। हमारे इस कोर्स का एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि हर एक चीज को समझा जाए और हर एक चीज को इन डिटेल डिस्कस किया जाए। और इस चीज का भी आप ध्यान दीजिए, बहुत बच्चे घबराते हैं कि हम कमेंट सेक्शन में डाउट नहीं पूछना चाहते। तो आपके लिए मैं नीचे टेलीग्राम के लिंक दे दूंगा, उस टेलीग्राम के अंदर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और मैं वहां पे आपके डाउट सारे क्लियर करूंगा, सारी चीजें आपकी सॉर्ट आउट करूंगा। बट कोई भी डाउट प्लीज अपने मन में मत रखिएगा, या तो कमेंट सेक्शन में, और आप नहीं करना चाहते कमेंट सेक्शन में मेंशन तो टेलीग्राम पे मैसेज करिए, बट करिए, डाउट्स अपने क्लियर करवा लीजिए, क्योंकि हम एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना चाहते, एक भी चीज इससे बाहर हम नहीं रखना चाहते। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कमिटीज के बारे में। अब कमिटीज का फ्रेमवर्क क्या था उसको हम थोड़ा सा बेसिकली समझ लेते हैं। कमिटीज देखो इस तरीके से बनाई गई, अब सारा काम अकेला इंसान तो नहीं कर सकता, और एज अ बॉडी को हम सारा वर्क देंगे तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज्यादा होंगे और उसी के साथ साथ झगड़े भी बहुत ज्यादा होंगे। तो कमिटीज बांट दी गई, ऐसा बोला गया कि ये कमिटीज जो है अपने बीच में सारे डिसीजन लेंगी, डिस्कस करेंगी। और वो कमिटी का फॉर्मुलेशन ऐसा था कि एक चेयरमैन होगा, बट कमिटी के जितने भी डिसीजंस होंगे वो किस बेसिस पे होंगे, तो वो मेजॉरिटी के बेसिस पे होंगे। और अगर किसी को लग रहा है कि उसका मत नहीं सुना गया है, हो सकता है एक माइनॉरिटी ओपिनियन भी हो, तो माइनॉरिटी ओपिनियन को नोट डाउन किया जा सकता है। क्यों? ताकि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसे आगे जाके डिस्कस करेगी आफ्टर द ड्राफ्ट इज फॉर्मुलेटेड, तो वहां पे बड़े लेवल पे डिस्कशन हो सके और तब ये चीज जानी जा सके कि एक्चुअली उस मीटिंग के अंदर क्या क्या डिस्कशन हुआ था। वैसे मीटिंग जितनी भी होती है ऑफिशियल मीटिंग, उनके मिनट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं कि कौन से मेंबर ने क्या सुझाव रखा और क्या चीज बोली,
वो हेल्पफुल इसलिए है ताकि जब उसका ब्रॉड लेवल पे डिस्कशन हो वो इनपुट्स हमारी मदद करें। तो यहाँ पे हम सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस तरीके से जो है मेजॉरिटी कमिटीज के अंदर मेंबर थे। अगेन दो टाइप की कमिटी थी, एक मेजर कमिटी और दूसरी माइनर कमिटी। तो अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले किसके बारे में, मेजर कमिटी के बारे में। कौन कौन मेंबर्स थे मेजर कमिटी के? अलग अलग कमिटीज थी और उनके अलग अलग मेंबर्स थे, बट हम यहाँ पे सिर्फ चेयरमैन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो पहली चीज यहाँ पे बताई गई, यूनियन पावर्स कमिटी। यूनियन की क्या पावर रहेंगी, उसके लिए जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, उसके लिए जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल वो इसके हेड थे। ड्राफ्टिंग कमिटी, ऑब्वियसली हर कोई इंसान जानता है दैट हु इज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट कौन है, तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। उसके बाद हम चलते हैं एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। अब ये कमिटी जो है ये बहुत बड़ी कमिटी हो गई और इसके अंदर सब कमिटी बना दी गई ताकि उस फंक्शनिंग को प्रॉपरली किया जा सके और आसानी से किया जा सके। सो पहली सब कमिटी कौन सी थी, फंडामेंटल राइट सब कमिटी। दूसरी माइनॉरिटी सब कमिटी। माइनॉरिटी सब कमिटी किसने हेड करी, तो एच सी मुखर्जी ने। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड आसाम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमिटी, गोपीनाथ बारडोलियो। एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन दोज इन आसाम सब कमिटी, ए वी ठक्कर। लास्ट कमिटी है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज सब कमिटी। इसका कोई भी हेड मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, उसके पीछे रीजन है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया वो किस तरफ चला गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, तो वो चला गया पाकिस्तान के पास। अब वो हमारे डोमेन के अंडर ही नहीं आता, तो कभी भी इस कमिटी को जो है काम करने के लिए नहीं बुलाया गया। इस कमिटी को नहीं बुलाया गया कि आप आइए और डिस्कस कीजिए, ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं हुई। आगे चलते हैं और दूसरी कमिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी, कि किस तरीके से रूल्स को डिसाइड किया जाएगा। उस कमिटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स कमिटी, कमिटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमिटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये सारी फैक्चुअल डिटेल्स है, इन फैक्चुअल डिटेल्स को आपको कुछ हद तक याद करना पड़ेगा। और कैसे याद करेंगे, बैठ के रटना नहीं है, मल्टीपल रिवीजन इज ओनली वे। आप जब तक मल्टीपल रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको चीजें याद नहीं होंगी, मल्टीपली उन्हें रिवाइज करते जाइए, बार बार उन्हें रिवाइज करते जाइए। आगे चलते हैं और माइनर कमिटीज देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में माइनर कमिटीज कौन कौन सी थी। फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी, इसको हेड कौन कर रहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्रेडिशियल कमिटी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। हाउस कमिटी, पी पिताबी सीतारमैया। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी, डॉक्टर के एम मुंशी। ठीक, एडहॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इन्हें हेड कर रहे थे। कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, की क्या क्या फंक्शन होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के और उन्हें किस तरीके से अचीव किया जाएगा, उसे हेड कर रहे थे जी बी मावलंकर साहब। एडहॉक कमिटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, एस वरदाचारी। अब ये मेंबर जो है ये आपको ध्यान रखना है दैट ही वॉज नॉट द मेंबर ऑफ Constituent Assembly, not member of Constituent Assembly, ठीक। Committee on Chief Commissioners Province, जैसा मैंने आपको बताया कि उस समय पे UTs को क्या बोला जाता था, Chief Commissioners Province, तो उसे कौन हेड कर रहा था, उसे हेड कर रहे थे बी पिताबी सीतारमैया। आगे चलते हैं और बाकी चीजें देखते हैं। Expert Committee on Financial Provisions of Union Constitution, again नलिनी रंजन सरकार। नलिनी रंजन सरकार जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, नॉट मेंबर ऑफ सीए। तो ये चीज शायद आपसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पूछ ले, आप कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम दे तो शायद ऐसा क्वेश्चन पूछ ले। यहां भी एसके धार जिनको मेंशन किया गया है ये भी मेंबर नहीं थे। तो यहां पे तीन का हमने नाम देख लिया, कौन कौन, एस वरदाचारी, एसके धार, नलिनी रंजन सरकार, तो ये मेंबर्स नहीं थे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एसके धार की कमीशन किसके ऊपर बनी, सो बनी लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन। इस चीज को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी, जिसको एक टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्नॉलेज भी किया था कि वो खुद चाहते हैं ऐसा कुछ हो, बट जैसे ही इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुआ तो फिर वो थोड़े से घबरा गए कि ऑलरेडी इंडिया डिवाइड हो चुका है तो हम ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना चाहते जिससे इंडिया के अंदर और ज्यादा खतरा बढ़ जाए। तो एसके धार कमीशन आया,
आया, उसके बाद जीवीपी कमिटी आई, उसके बाद क्या आया, उसके बाद फजल अली कमीशन आया। तो इन सब के बाद जो है 1956 के अंदर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया। तो जिस तरीके के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हम आज देख पा रहे हैं वैसा पहले नहीं था। पहले क्या था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इनके अंदर स्टेट्स डिवाइड थे, जिनको हम आगे ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे जब वो चैप्टर आएगा, इन डिटेल सारी बातें करेंगे। स्पेशल कमिटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हेड कौन कर रहे थे, तो इसे हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू साहब। प्रेस गैलरी कमिटी, उषानाथ सेन, ये इसे हेड कर रही थी। एडहॉक कमिटी ऑन सिटीजनशिप, एस वरदाचारी। एस वरदाचारी का मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि वो जो है वो मेंबर नहीं थे। आगे चलते हैं और समझते हैं कि ड्राफ्ट किस किस तरीके से हुआ, किस किस तरीके से सारी चीजें हुई। तो ड्राफ्टिंग कमिटी किस दिन सेटअप की गई थी, अगस्त 29, 1947। मतलब ये जितनी भी कमिटीज थी, ठीक, ये कमिटीज ने क्या किया, अपनी एक रिपोर्ट बनाई। फंडामेंटल राइट्स वाले ने फंडामेंटल राइट्स पे, यूनियन पावर ने यूनियन पावर पे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। सारी रिपोर्ट को जो है दिया गया सर बी एन राव, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर को। उन्होंने सारी चीजें अरेंज करी और ड्राफ्टिंग कमिटी को दे दी कि आप क्या करें, आप कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करें। अब सारी हमारे पास रिकमेंडेशन आ गई, सारी चीजें हैं आपके पास, सारा मटेरियल है, अब इसे ड्राफ्ट करें। ड्राफ्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि ये लॉ है, ठीक है, हम कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। यहां इंटरप्रिटेशन में अगर फर्क पड़ा तो आगे जाके बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। आज भी आप देख पा रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका इंटरप्रिटेशन चेंज होता रहता है। आर्टिकल 21 सबसे बड़ा एग्जांपल, मेनका गांधी केस के बाद उसे क्या कर दिया गया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आगे हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बट जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है वो शायद रिलेट कर पाएंगे। बहुत ज्यादा यहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं, एक एक करके बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं इंटरप्रिटेशन में। तो हम ये चाहते हैं कि ड्राफ्ट ऐसा बने किसी भी लॉ का, और ऑब्वियसली दिस वॉज कॉन्स्टिट्यूशन, सो मोर इम्पॉर्टेंट कि ऐसा बने जिसके अंदर कोई भी लूप होल ना रहे, जिसका कोई फायदा ना उठा पाए। इसलिए ड्राफ्टिंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट टास्क हो गया था। टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग ए ड्राफ्ट ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, उसे हम कहते हैं ड्राफ्टिंग। कंसिडर द प्रोपोजल ऑफ वेरियस कमिटीज, जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। फर्स्ट ड्राफ्ट कब आया गया, तो फर्स्ट ड्राफ्ट आया फरवरी 1948। इस ड्राफ्ट को लाया गया और पब्लिक ओपिनियन के लिए छोड़ दिया गया कि लोग आप इसे देखो, क्रिटिसाइज करो, इसमें सुझाव बताओ, जो आपके मन में आता है, क्योंकि ये आपके भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे आपका से होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप बताइए आपको क्या चीज गलत लगती है वो बताइए, आपको क्या चीज सही लगती है वो बताइए, आगे हम इसके अंदर चेंज करेंगे। तो 8 महीने दिए गए उस चीज को डिस्कस करने के लिए, और 8 महीने बाद दूसरा ड्राफ्ट आया, जो आया अक्टूबर 1948 के अंदर। तो कमिटी ने अराउंड 6 महीने लिए और बैठी 141 दिन, उसके अंदर सारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ड्राफ्ट कर लिया। बट बहरहाल वापिस कई लोगों का क्रिटिसिज्म आता है कि बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। अरे साहब, कोई छोटा मोटा काम थोड़ी हो रहा है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, अगर थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा चल जाएगा। पाकिस्तान ने क्या किया, जल्दबाजी में काम किया, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन ढंग से नहीं चला। इंडिया के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बढ़िया है, टचवुड, जो इतने साल से सरवाइव कर रहा है और इतने बेहतर तरीके से सरवाइव कर रहा है कि आज भी जो इंडियंस की नीड्स हैं उन्हें केटर कर रहा है, उन्हें फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो बढ़िया काम होने पे ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा। अब आप चाहो कि आपको आधे घंटे में क्रैश कोर्स दे दें जैसे बाकी लोग दे रहे हैं, बहुत सारे मैं नाम नहीं दूंगा, आप खुद उस चीज से वाकिफ होंगे कि आधे घंटे में इंडियन पॉलिटी खलास, आधे घंटे में पॉलिटिकल थियरी खलास, आधे घंटे में आईआर खलास। अरे भाई साहब कुछ नहीं होता, आधा घंटा तो मेरे को सब्जेक्ट का ओवरव्यू देने में लग जाएगा। तो बढ़िया चीज चाहिए तो उसमें टाइम आपको भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मुझे भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वैसे ही बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए तो टाइम तो लगने वाला है, जो इन्होंने अच्छा खासा लिया। तो इस तरीके से हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स थे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में सबसे पहले हमारे चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरे एन गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, बहुत ही बढ़िया स्पीकर थे के एम मुंशी, बाय द वे बहुत ही बढ़िया बोलते थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, जिन्होंने किसको रिप्लेस कर दिया था, बी एल मित्तर को रिप्लेस कर दिया था, जिनकी हेल्थ में थोड़े इश्यूज आ रहे थे तो वो अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा पा रहे थे, इसलिए उनको इन्होंने रिप्लेस कर दिया।
टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी को रिप्लेस किया गया, मतलब सॉरी डीपी खेतान को रिप्लेस किया किसने, टीटी कृष्णमाचारी ने, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी 1948 के करीब, इसलिए उन्हें रिप्लेस करना पड़ा। तो ये कौन है, ये मेंबर्स हैं ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, आपका इस चीज का ध्यान रखना है। और ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन किसी दिन उठा के पूछ लेगा, तो अभी से इस चीज को याद रखें। और ऐसा नहीं है कि आपकी मदद नहीं करेगा यूपीएससी में, अगर मैं बोल रहा हूँ यूपीएससी में, मेंस में आपके आंसर राइटिंग की क्वालिटी बढ़ाने में ये आपकी मदद करेगा। आगे चलते हैं और जानते हैं इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनल ड्राफ्ट कब प्रेजेंट किया गया, तो फाइनल ड्राफ्ट प्रेजेंट किया गया नवंबर 4, 1948। तो कोई भी चीज प्रेजेंट की जाती है पार्लियामेंट में, उसमें तीन रीडिंग होती है बेसिकली, आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूं ताकि आप इसको जब समझे तो आपको आसानी हो। फर्स्ट रीडिंग के अंदर क्या किया जाता है, उसे डिस्कस किया जाता है नॉर्मल, ऊपर ऊपर से देखा जाता है। सेकंड रीडिंग के अंदर उसमें अमेंडमेंट्स लाए जाते हैं, उसमें चेंजेस लाए जाते हैं, उसमें जो जो चीज पे डिबेट होनी है वो होती है, और थर्ड रीडिंग में फाइनल वोटिंग होती है। तो फर्स्ट रीडिंग कब हुई, ऑन नवंबर 4, 1948। इसको कितने टाइम तक डिस्कस किया गया, 5 दिन तक डिस्कस किया, नॉर्मल एक डिस्कशन हुआ जिसके ऊपर 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 की सारी चीजें बता दी ड्राफ्टिंग कमिटी ने कि हमने इस तरीके से यह बनाया। सेकेंड रीडिंग स्टार्ट हुई नवंबर 15, 1948 से लेके अक्टूबर 17, 1949। देख लीजिए लगभग एक साल का समय लग गया। पहली रीडिंग सिर्फ 5 दिन क्योंकि ओवरव्यू देना था, दूसरी रीडिंग में हर एक चीज के ऊपर बारीकी से डिस्कशन किया गया, हर एक कमिटी की रिपोर्ट को डिस्कस किया गया, कमिटी की रिपोर्ट के अंदर जो डिसेंटिंग ओपिनियन थे, जो माइनॉरिटी ओपिनियन थे, उन पे बहस हुई, किसी को कोई चीज समझ नहीं आई वो खड़ा होके बोला, और ये लगभग एक साल चला। तो अमेंडमेंट प्रपोज किए गए थे 7653, बट उनमें से एक्चुअली में कितने डिस्कस हुए, तो 2473 जो है ये डिस्कस हुए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अमेंडमेंट्स अगर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां पे बहुत बढ़िया डिस्कशन हुआ, और ये चीज प्रमाण है। मैं बार बार बोलता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक ऐसी चीज है, मतलब एक ऐसा लिविंग डॉक्यूमेंट है जिसको अगर आपने पढ़ लिया आपको उसके साथ प्यार हो जाएगा। मतलब इतनी लेयर्स, इतनी बारीकी कैसे किसी चीज में हो सकती, जितना आप पढ़ेंगे उतनी ज्यादा नई नई चीजें सीखेंगे। मैं इतने टाइम से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा रहा हूं, बट आज भी जब मैं उसके ऊपर स्टडी करने के लिए बैठता हूं, एक भी ऐसा मौका नहीं होता कि उसमें कुछ ऐसा ना मिले कि जो मुझे लगता है अरे इसका तो ये भी एनालिसिस हो सकता है, अच्छा इसके पीछे ये सोच रही होगी। जब मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि उस समय के लोग कितने ज्यादा जागरूक रहे होंगे डेमोक्रेसी को लेकर, जितने तो शायद आज भी नहीं। तो ये सारी चीजें बहुत ही बारीकी से बनाई गई हैं, इसके लिए इतने सारे अमेंडमेंट्स और इतना ज्यादा टाइम लगा। थर्ड रीडिंग कब हुई, तो थर्ड रीडिंग स्टार्ट हुई 14th November 1949 को, और उस समय पे क्या है, इसे पास कर दिया गया, और उस समय के बाद इसमें पास मोशन कब पास हुआ, 26 November 1949, जिस दिन 299 मेंबर्स में से 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे उन्होंने सिग्नेचर किया। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने सिग्नेचर किया, और हमें क्या मिल गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इतनी लंबी स्ट्रगल के बाद 1773 से हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, उसके बाद अब जाके 26 November 1949 को हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिला। स्ट्रगल देखिए कितनी लंबी, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिला, और इसको पास किसने करवाया। और एक चीज आपको नोटिस करने की जरूरत है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्टीयर किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उस ड्राफ्ट को स्टीयर किया। कहीं से कोई उसके ऊपर आ रहा है ओपिनियन, कहीं से उसका क्रिटिसिज्म आ रहा है, उसका खड़े होकर जवाब दिया, उन्होंने सारी चीजें समझाई। बहुत ही बोल्ड इंसान थे, बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर से ड्राफ्ट को निकाल के पास करवा दिया और हमको दे दिया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे उस समय पे, जो कि अब बढ़ के 12 हो गए। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है, ये फैक्ट्स को आपको ध्यान रखना है, ठीक। आगे चलते हैं एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एनफोर्समेंट की जब हम बात करते हैं तो एनफोर्समेंट के लिए कुछ प्रोविजंस जो है वो उसी समय पे लागू कर दिए गए, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट थे इसलिए वो उसी समय पे लागू कर दिए गए, और बाकी के जो हैं वो जनवरी 26 1950 को लागू किए गए। क्यों यही डेट, कोई पंडित जी ने बताई थी। इस दिन को बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट घटना घटी थी, 1930 ऑन 26 जनवरी वी टुक ओथ ऑफ पूर्ण स्वराज कि अब हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेंगे। 1930 से पहले आपको मालूम है
कि मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट बनाई थी, उस रिपोर्ट को सबमिट किया था जो कि ब्रिटिशर्स ने मानी नहीं थी। तब एक पैक्ट बना था कि एक साल का हम समय देंगे और एक साल बाद अब नए युवा आएंगे। उस समय के युवा कौन? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने बोला कि अब हम इस चीज को टेक ओवर करेंगे और फिर हम डोमिनियन स्टेटस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर हमें चाहिए कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब हो गया कि आपके छत्र के नीचे हम अपना राज चला लें, मतलब पैरामाउंट तो आप रहेंगे, सबसे बड़े आप रहेंगे, बट जो गवर्नमेंट होगी वो इंडियंस इंडियंस अपनी अपनी चला लेंगे। तो ये हो गया डोमिनियन स्टेटस। तो 1930 के अंदर 26 जनवरी के दिन ये प्रण ले लिया गया कि अब हम डोमिनियन स्टेटस नहीं लेंगे, अब हम लेंगे तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये चीज वहां पे डिस्कस हुई और इसी के चक्कर में क्या है, इस दिन को हमने डिसाइड किया एज अ रिपब्लिक डे। तो जो मेजोरिटी प्रोविजंस है वो इस दिन आए, बट कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे जिन्होंने 26 नवंबर 1949 से ही हमें लागू करना पड़ा, जिसके अंदर है आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9। तो ये किससे रिलेटेड है? ये है सिटीजनशिप से रिलेटेड, इस चीज का आपको ध्यान देना है। आर्टिकल 60, ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 324, इलेक्शन कमीशन की पावर्स के बारे में बात करता है, इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 366 के अंदर अलग अलग डेफिनेशन दी गई, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर ये वर्ड मेंशन किया गया तो उसका मीनिंग क्या होगा, वो क्या चीज होगी, तो उसके लिए अलग अलग डेफिनेशन दी गई है। आर्टिकल 379, 380, 388 और 391 अल्टीमेटली रिपील कर दिया गया, अब वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। आर्टिकल 392, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू रिमूव डिफिकल्टीज, उन्हें डिफिकल्टीज रिमूव करने के लिए कोई परेशानी आती है तो उसे रिमूव करने के लिए पावर दी गई। और आर्टिकल 393 में शॉर्ट टाइटल्स मेंशनड है, तो ये उसी दिन जो है एप्लीकेबल हो गए क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे और उसी दिन से ये लागू हो गए, बट बाकी के प्रोविजन 26 जनवरी 1950 से लागू हुए। आगे चलते हैं और जानते हैं एक्सपर्ट कमिटी ऑफ कांग्रेस के बारे में। हमने ये चीज पहले ही देखी कि कांग्रेस बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, उसको ऑब्वियसली बहुत जगह क्रिटिसाइज भी किया गया। कांग्रेस को एक मत तो था कि भाई हमारे अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, कांग्रेस कॉन्फिडेंट थी, अब आप उसे ओवर कॉन्फिडेंट कहना चाहें तो भी कह सकते हैं। तो कांग्रेस ने क्या किया, एक एक्सपर्ट कमेटी पहले इस्टेब्लिश कर दी। कांग्रेस ने कहा कि हम एक एक्सपर्ट कमेटी बनाते हैं जो इस चीज के ऊपर डिसीजन लेगी कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जाने के बाद करेंगे क्या क्या, हमारा काम क्या क्या होगा। तो उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि क्या उनका काम रहेगा और किस तरीके से वो चीज आगे लेके जाएंगे। तो कांग्रेस कमेटी ने क्या किया, पहले ही मटेरियल इकट्ठा करना चालू कर दिया। जुलाई 8, 1946, अगस्त में हुआ था हमारा इलेक्शन तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, बट उससे पहले ये बना दिया और इसके पर्पस जो है स्ट्रेटिफाई कर दिए। मेंबर कौन कौन है इसके अंदर, तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो चेयरमैन, एम अशरफ अली, के एम मुंशी, एन गोपालास्वामी अयंगर, के टी शाह, डॉक्टर गाडगिल, हुमायूं कबीर, के संथानम, इन सबको जो है मेंबर की तरह रखा गया। और फिर जो चेयरमैन है इनके कहने पे, जवाहरलाल नेहरू के कहने पे, कृष्णा कृपलानी को एक एडिशनल मेंबर की तरह ऐड किया गया और उन्हें कन्वीनर, मतलब सारी चीजों को वो जो है देखेंगे, सुपरवाइज करेंगे और बोल सकते हैं फैसिलिटेट करेंगे, काइंड ऑफ सबकी मदद करेंगे, उस तरीके से उन्हें रखा गया। एक डिस्कशन प्रॉपर हो उसके लिए डेकोरम मेंटेन करने के रखने का काम इनको दिया गया। इनके क्या क्या काम थे, तो सबसे पहले तो ये बताया गया कि क्या क्या चीज जो है हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, और उन्हें डिस्कस करने का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, तरीका क्या रहने वाला है, ठीक है, किस तरीके से, ऐसे थोड़ी हाथ उठा के इंसान ने बोल दिया और वो डिस्कशन चालू हो गया, क्या प्रोसीजर रहेगा। उसके बाद बताया गया कि किस तरीके से हम कमिटीज को अपॉइंट करेंगे, क्योंकि सारा काम तो हम कर नहीं सकते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ होल में, तो किस तरीके से उसे अपॉइंट किया जाएगा उसके बारे में बताया गया। ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, मतलब एक ड्राफ्ट बनाया गया ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कि हम क्या चाहते हैं, और वो सिमिलर था कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से मिलता जुलता था। तो एक्सपर्ट कमिटी जो है कांग्रेस की वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रही, ठीक है। ग्रैनविल ऑस्टिन ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल थिंकर, इन्होंने यहां तक भी कहा कि जो हम आज का कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं इंडिया का, उसके अंदर एक्सपर्ट कमिटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा। उन्होंने जो है एक रोड सेट कर दी कि किस रोड पे जाना है और वो इस चीज को आगे लेके गए। तो ये रही एक्सपर्ट कमिटी ऑफ द कांग्रेस, ये पार्टी की कमिटी थी, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है उसकी कमिटी थी, इसका किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेना देना नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो तब तक बनी नहीं थी, उससे पहले ये चीज बन गई और फॉर्मुलेट हो गई और काम चालू हो गया।
ठीक है। तो ये क्या है, बिफोर हैंड अपनी तैयारी कर रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। आगे चलते हैं और क्रिटिसिज्म के बारे में जानते हैं कि क्या क्या क्रिटिसिज्म बताए गए। अब कोई भी बढ़िया चीज हो उसे भी क्रिटिसाइज करने वाले लोग मिल जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हम एज सच देखें तो कोई डीप क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता, बट कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं और कुछ चीजें हैं जो ऐसे ही लोगों ने बोल दी। पहली चीज तो है नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी विच इज काइंड ऑफ राइट, क्योंकि यहां पे प्रिंसली स्टेट्स की बात करें तो वहां पे तो इलेक्शन हुआ नहीं था, वहां पे तो नॉमिनेट किया गया था। उसी के साथ साथ अगर हम ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो वहां पे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को ऑलरेडी जो है लिमिटेड फ्रेंचाइज पे, लिमिटेड वोटिंग राइट्स पे इलेक्ट किया गया, और उन लिमिटेड वोटिंग राइट्स वाले लोगों ने क्या किया, आगे जाके किनको इलेक्ट किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। तो कंप्लीटली रिप्रेजेंटेटिव होना तो गलत है, बट हम ये भी नहीं कह सकते कि यहां पे कोई तरीके की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी और किसी तरीके से जो लोग हैं उनका मत सामने नहीं आ रहा था, तो ये कहना भी गलत होगा। नॉट ए सॉवरेन बॉडी, ये चीज गलत है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कैसे बनाया गया, परमिशन लेके बनाया गया। जो पहली मीटिंग हुई वो भी हमने क्या ली, ब्रिटिशर्स से परमिशन लेके, कि एक कन्वेंशन था, हम 1947 में आजाद हो गए, उसके बाद हमने हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं रहा, ये कहने के लिए एक क्रिटिसिज्म है। उसके बाद बात करते हैं तो क्या कहा गया, टाइम कंज्यूमिंग। अगेन भाई साहब, अगर अच्छी चीज चाहिए तो टाइम तो लगेगा, पूरा इंडियन पॉलिटी पढ़ना है तो 70-80 घंटे देने पड़ेंगे, वरना आप आधे घंटे में क्रैश कोर्स कर लो, उससे कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, मैं कोई चीज में आपको बेवकूफ बनाऊंगा नहीं, मैं आप में कुछ ऐसा झूठी चीजें कहूंगा नहीं। टाइम लग रहा है, हम पढ़ रहे हैं और टाइम लगेगा, शायद 100 घंटे तक पहुंच जाए, कोई श्योरिटी नहीं। जब तक कंप्लीट नहीं होगा इंडियन पॉलिटी तब तक मैं इस चीज को नहीं छोड़ने वाला। तो ये चीज है, वैसे कोई चीज अच्छी बनानी हो तो समय तो आपको देना पड़ेगा, कम टाइम में तो नहीं होगा। वो कहावत है ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, जब अच्छी चीज बनेगी तो टाइम तो लगेगा। तो ये भी एक ऐसे ही हम बोल सकते हैं फिजूल का क्रिटिसिज्म। डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, दिस इज राइट, क्योंकि 208 सीट की अगर हम बात करें तो 208 सीट जो है कांग्रेस को थी, और ये ही कहीं ना कहीं जो है डोमिनेशन ही मुस्लिम लीग को ज्यादा प्रवोक की कि अब तो हमें पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली मुस्लिम लीग भी क्या थी, पॉलिटिकल पार्टी थी, वो भी डोमिनेट करना चाहती थी कहीं ना कहीं, और उन्हें समझ आ गया दाल नहीं गलेगी, तो दाल नहीं गलेगी तो क्या करना चाहिए, हट जाना चाहिए। ये चीज आगे, लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। बहरहाल ये चीज सही भी है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज अच्छी भी है, पर्सपेक्टिव डिफर कर सकता है हर एक इंसान का। मैं क्यों कह रहा हूं ये चीज अच्छी है, क्योंकि लॉयर जो है वो जानता है कि कहां कहां मिसयूज हो सकता है, तो लॉयर जब खुद के ड्राफ्ट करेगा, खुद की चीजों को देखेगा, तो वो कोई भी लूपहोल नहीं छोड़ेगा। जब वो खुद वहां प्रेजेंट है तो वो किसी भी तरीके का लूपहोल नहीं छोड़ना चाहेगा। तो या शायद यही एक रीजन भी है, मतलब बहुत सारे रीजंस में एक रीजन ये भी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतने लंबे समय तक सर्वाइव कर गया। डोमिनेटेड बाय हिंदूस, क्या कह सकते हैं अब इसके बारे में, तो कोई चीज मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये तो पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से आया, और उसी के साथ साथ हमने रिप्रेजेंटेशन किसे दी, सिख्स और मुस्लिम्स को भी दी, बाकी तो जनरल के अंदर कंसिडर कर लिए गए। तो ये तो जितने ज्यादा लोग यहां हैं इंडिया के अंदर, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा मेजोरिटी जो है वो हिंदूज की है, तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी वो चीज आपको दिखेगी जो कि हमने देखी भी। तो क्रिटिसिज्म ये बताया गया, तो मुझे लगता है कि क्रिटिसिज्म में कुछ खास दम नहीं। आगे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, पढ़ा देता हूं मैं सारी चीज, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। एलिफेंट वॉज अडॉप्टेड एज सील ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, लीगल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो वो कौन थे, तो सर बी एन राव थे। सेक्रेटरी टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एच वी आर अयंगर। चीफ ड्राफ्ट्समैन एस एन मुखर्जी। कैलीग्राफर जिसने लिखी, राइटिंग लिखी, वो कौन थे, तो वो थे प्रेम बिहारी रायजादा। ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड बाय नंदलाल बोस एंड बिहोहर राम मनोहर सिन्हा। इन्होंने उसकी ब्यूटिफिकेशन की। आपने अगर कभी उठा के देखा हो कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर आप ये चीज देख पाएंगे कि वहां पे नक्काशी की गई है साइड में। वो नक्काशी किसने की है, वो इन लोगों ने की। जब हम प्रीएम्बल की बात करते हैं, क्योंकि आप सबको ये चीज मालूम है, और नहीं मालूम है तो मैं अब बता देता हूं, पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होने के बाद हमने प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया और उसे जो है लगा। इसीलिए बहुत बार ये भी डिबेट उठी कि क्या प्रीएम्बल पार्ट है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हमारा प्रीएम्बल का लेक्चर डिस्कस हो रहा होगा। प्रीएम्बल की कैलीग्राफी की प्रेम बिहारी नारायण रायजादा,
इन्होंने ही उसकी जो है कैलीग्राफी करी। उसकी ब्यूटिफिकेशन किसने करी, तो उनकी ब्यूटिफिकेशन की बिहोहर राम मनोहर सिन्हा, ठीक है। हिंदी कैलीग्राफी किसने की, तो हिंदी कैलीग्राफी की वसंत कृष्ण वैद्य, और इसका ब्यूटिफिकेशन किया नंदलाल बोस ने। तो इन सारी चीजों को आप नोटिस कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी कहीं ना कहीं मदद कर दें। हिंदी टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इंग्लिश में बना है, उसके अलावा उसका कोई हिंदी टेक्स्ट हमारे सामने नहीं था। तो उसके लिए प्रेजेंट किया गया 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987। इसके अंदर क्या क्या प्रोविजन रखे, तो इसके अंदर आर्टिकल 394A ऐड किया गया, पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहता है, इन डिटेल हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रेसिडेंट शैल पब्लिश ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज विथ नेसेसरी मॉडिफिकेशन। नोटिस करने वाली चीज है विथ नेसेसरी मॉडिफिकेशन। क्यों कहा गया है विथ नेसेसरी मॉडिफिकेशन, वो चीज को हम डिस्कस करते हैं। आप मुझे ये बताइए, धर्म, धर्म को इंग्लिश में क्या कहेंगे, व्हाट इज धर्म। रिलीजियन मत कहिएगा, मैं वो वाले धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे धर्म की बात कर रहा हूं कि आपका धर्म क्या है। आपका धर्म है पढ़ना, तो उसको आप क्या कहेंगे इंग्लिश में, क्या है आपके पास कोई एग्जैक्ट ट्रांसलेशन। वैसे ही इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड हैं जिसका आप एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं ला सकते, उसका एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं ला सकते। तो उसके लिए जब कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए अथोराइज किया गया प्रेसिडेंट को कि आप साफ कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज कि जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं उनका भी ट्रांसलेशन होना चाहिए, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आप देखोगे एकदम छोटा सा था, अब एकदम बड़ा हो गया क्योंकि अमेंडमेंट बहुत सारे हुए, तो वो सारी चीजों का आपको ट्रांसलेशन करना है, अमेंडमेंट्स का भी ट्रांसलेशन करना है। क्या होगा अगर कॉन्फ्लिक्ट हो, इंटरप्रिटेशन हो रही है और उसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट हो इन हिंदी टेक्स्ट एज वेल एज इंग्लिश टेक्स्ट, तो कौन ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा इंग्लिश टेक्स्ट। क्यों, क्योंकि ओरिजिनल जो डिस्कशन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो इंग्लिश टेक्स्ट के ऊपर हुआ, तो हिंदी टेक्स्ट नीचे रहेगा, इंग्लिश टेक्स्ट ऊपर रहेगा। अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हिंदी टेक्स्ट के अंदर चेंज कर दिया जाएगा, उसके अंदर बदलाव कर दिए जाएंगे। ये चीज यहां पे बताई, द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एवरी अमेंडमेंट पब्लिश शैल बी डीम्ड टू बी इट्स ऑथोरिटिव टेक्स्ट इन हिंदी। अब उसका उतना ही इंपैक्ट रहेगा, इस ट्रांसलेशन का उतना ही इंपैक्ट रहेगा जितना इंग्लिश टेक्स्ट का इंपैक्ट है, तो ये अपने आप में ऑथोरिटेटिव है, इसकी ऑथोरिटी है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई। इसी के साथ साथ हमारे चैप्टर 2 का जो है डिस्कशन कंप्लीट होता है। मुझे आशा है कि आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी, नहीं समझ आई है मैं वापिस बोलूंगा, कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करें, कमेंट सेक्शन के अंदर नहीं करना है, मैं नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा, वहां से आप मेरे को पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, वहां से आप मुझे मैसेज करिए, वहां हम डिस्कस करेंगे चीज़ों को। उसी के साथ साथ नोट्स की बिल्कुल भी टेंशन ना लें, नोट्स मैं जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्रोवाइड करूंगा। हर एक जो चैप्टर हैं आगे आने वाले उनके भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, जुड़े रहें। सिर्फ इंडियन पॉलिटी ही नहीं, आने वाले समय में हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, ठीक है। धीरे 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 बहुत ज़्यादा हम इसका स्कोप बढ़ाने वाले हैं, और यहाँ पे आपको जो भी चीज़ मिलेगी अनफिल्टर्ड एजुकेशन पे, जो भी आपको चीज़ मिलेगी वो कंप्लीट मिलेगी। द ओनली कंसर्न ऑफ द अनफिल्टर्ड एजुकेशन इज दैट वॉट एवर वी आर प्रोवाइडिंग वी शुड प्रोवाइड इट कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव, और एल्स वी वोंट इवन प्रोवाइड अ सिंगल फैक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। So thank you very much for watching. Please like, share and subscribe our YouTube channel.